असम में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस कुछ कमाल करेगी, इसका आधिकारिक ऐलान तो 2 मई के नतीजे के बाद ही होगा। मगर आज के एग्जिट पोल के नतीजे ने इशारा कर दिया है, असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमान में बताया जा रहा है कि असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में विधानसभा चुनाव में कुल 126 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव हुए थे। चलिए नतीजों से पहले जानते हैं क्या है अलग अलग टीवी चैनलों एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस बाय इंडिया एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को बड़ी जीत मिलती दिख रही है या कांग्रेस काफी पिछड़ती दिख रही है। हालांकि वोट प्रतिशत में बड़ा अंतर नहीं है, भाजपा गठबंधन को 75 से 80 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 40 से 45 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलते नजर आ रही है। रिपब्लिक सीएनएक्स एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को काफी आगे दिखाया गया है। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस काफी दूर दिख रही है। भाजपा गठबंधन 74 से 84 सीटें, कांग्रेस गठबंधन 40 से 50 सीटें, अन्य 1 से 3 सीटें। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को 58 से 71 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 53 से 66 सीटें। वही TV9 भारतवर्ष एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा गठबंधन को 59 से 69, कांग्रेस गठबंधन को 55 से 65 सीटें मिल सकती है।